फर्स्ट पेट्रोल फिल कराएंगे अपना फुल, और फिर हम पहाड़ों पे जो माइलेज आती है जिमनी की, उसको आपको बताएंगे कि कितनी हमारी माइलेज आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग लवली पीपल्स। तो चार्ट ऑन व्हील्स में आपका एक बार फिर स्वागत है एक नए व्लॉग में और एक नए ट्रैवल सफर पे। अब हम जा रहे हैं एक एक्सट्रीम ड्राइव करने के लिए और जिमनी के साथ। तो मैं अभी जा रहा हूँ विंटर स्पीति, और विंटर स्पीति बड़ी मतलब कि हार्श होती है और बड़ी मतलब कि एडवेंचरस होती है। तो ये एडवेंचर करने जा रहे हैं अपनी जिमनी के साथ, और मेरा बहुत ही मतलब कि सपना था कि यार कि विंटर में स्पीति जरूर करनी है। और मैं बाइकिंग से मैं सोच रहा था, लेकिन प्रोग्राम हमारे जब से जिमनी ली है तो इसको मन करता है कि यार जिमनी को लेके घूमें, 4x4 के साथ एडवेंचर करें। और मेरे साथ जा रहे हैं हमारे भाई लोग मिस्टर वेद, मिस्टर राकेश सूरी, और मेरा ब्रदर इन लॉ मिस्टर गुलाब सिंह। तो अभी मैं वेद भाई को लेने आया हूँ, फिर लेंगे सूरी जी को, फिर उसके बाद हम लेंगे अपने गुलाब भाई को। तो ये सामने आ रहे हैं, ये देखिए वेद जी। और समय हुआ है 5:42 सुबह के, और 5 बजे निकलना था। निकलते निकलते भाई टाइम लग ही जाता है। फर्स्ट पेट्रोल फिल कराएंगे अपना फुल, और फिर हम पहाड़ों पे जो माइलेज आती है जिमनी की, उसको आपको बताएंगे कि कितनी हमारी माइलेज आ रही है। हो जाएंगे ऊपर नीचे करके एडजस्ट। हाँ, एडजस्ट तो करेंगे। हाँ, हो जाने। चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हमारे व्यूअर्स को बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब निकलते हैं, वेद भाई को ले लिया, अब जाते हैं राकेश सूरी जी के पास। तो गाइस हम आ गए हैं पेट्रोल पंप विकासपुरी ए ब्लॉक के, और यहाँ पे अपना टैंक फुल करा रहे हैं और अपना ट्रिप ए को जीरो कर देते हैं। और ये ट्रिप ए हो गया हमारा जीरो, यहाँ से हमारी जो किलोमीटर पता चल जाएगा। और फुल करना, फुल स्पीड राजस्थान में 111 रुपये है पेट्रोल नॉर्मल। राजस्थान में 3 बार वहाँ डलवाया मैंने टैंक पूरे 300-400 रुपए का फर्क पड़ता है एक टैंक। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। 400 राजस्थान नहीं, बॉम्बे में भी है 110-111 रुपए, वहाँ भी है। वहाँ भी बॉम्बे ही है। महाराष्ट्र में भी बुरा हाल है। तो गैस 2764 रुपए 27 लीटर अपना पेट्रोल आ गया है हमारे टैंक में, और टैंक अभी हो गया फुल। अब नेक्स्ट जो टैंक फुल होगा वहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। ट्रिप मीटर हमने कर दिया जीरो, ऑटोमीटर। तो बस अब चलते हैं राकेश सूरी भाई के पास, वहाँ पे जाके लेते हैं हम। तो और पाजी खड़े हैं, ये देखिए हम बिल्कुल रेडी हैं। हाँ, हमारा ट्रिप रेडी है, हम रेडी हैं, सब रेडी हैं, सारे भाई रेडी हैं, लांबा जी भी रेडी हैं, ये हमारे गार्ड साहब हैं, देखो सामान रखवा रहे हैं, ये सारा फ्रूट वगैरह सब रेडी है, ये रखा जा रहा है। और उसके बाद टोपियाँ वोपियाँ हमारी अब रखेंगे इस बैग को आगे, और एक छोटा बैग इन्होंने वेद जी ने हैंड बैग आगे रख दिया है। ये 3-4 पजामे और 3-4 जैकेटें डाल के आए हैं। मैंने कितने कपड़े डाले अभी गिनती करेंगे। सूरी जी आ गए हैं, वेद जी आ गए हैं, बेटा बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। और अब लेने जा रहे हैं हम गुलाब भाई को, और वो मिलेंगे नरेला में हमें। जय भोले की, जय बम बम भोले, हर हर महादेव। तो गाइस हम पहुंच गए हैं नरेला, और यहाँ पे हमें मिलेंगे गुलाब भाई, और वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। और ये देखिए बाहर कितना डेंस हो गया इस समय, अभी तो सिटी के अंदर आ गए हैं, लेकिन हाईवे पे तो हमें और भी ज़्यादा फॉग मिलेगा, और ये फॉग लगभग 9-10 बजे तक रहने वाला है। तो अभी जस्ट अगर आप गुलाब जी को लेते हैं, अब अगर आप टेम्परेचर की जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि जो टेम्परेचर है इस समय
जो आज का टेम्परेचर रहेगा हमारे इस पूरी ट्रैवलिंग के अंदर, अम्बाला में 10 डिग्री, चंडीगढ़ में 11 डिग्री, शिमला में -3 और नारकंडा जो हम स्टे करेंगे -10 और उसके बाद हम पहुंचेंगे कन्नौर वैली जहां पे -24 है आज का टेम्परेचर, पर वो फर्दर हम पहुंचेंगे कम और ज़्यादा भी हो सकता है, पर वी वॉन्ट टू इन्जॉय द स्नो, वी वॉन्ट टू इन्जॉय द दिस ट्रिप, थैंक यू, बाय बाय। तो ये देखिए, ये हमारे चौथे और अंतिम पैसेंजर मिल गए और ये गुलाब जी आते हुए हमने सामान कम कर दिया है और बाकी सामान हमारे पास पड़ा है। ये बाय बाय, जा रहे हो? हाँ जी, थैंक यू। आप भी हमारी तरफ से बोल दो उनको, हनुमान जी को हम जा रहे हैं और हमारे सारा इंतजाम कर देंगे। हमारी गाड़ी में हो गए हैं सारे यात्री पूरे चारों के चारों। तो अभी हम हैं नरेला में और यहाँ से अब हमने स्टार्ट कर दी है अपनी जर्नी, और आज का स्टे नारकंडा या उसके आसपास कहीं भी होगा, नारकंडा या रामपुर, देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। ये फॉग काफ़ी ज़्यादा है और आगे देखो कितनी फॉग मिलती है, और आजकल जो शाम है सूरज भी जल्दी ढल जाता है, थोड़ा फैक्टर तो पड़ेगा ही, वहाँ कितनी फॉग मिलती है ऊपर वो भी पता चलेगा, सर्दी में भी ज़्यादा मिलती है ना फॉग। बिल्कुल हाँ। तो गाइस हम पहुँच गए हैं मूर्थल, ये देखिए फेमस हमारे यहाँ के मूर्थल ढाबे। तो मोस्टली दिल्ली वाले यहाँ पराठे खाने आते हैं अपना मूर्थल पे, मूर्थल के पराठे बहुत मशहूर हैं। और समय हुआ है 7:23, जो हमने डिस्टेंस कवर किया है अभी 62 किलोमीटर है और अभी भी फॉग है पूरा। गाइस हम पहुंच गए हैं तीसरे टोल पे, मूर्थल का फर्स्ट, सेकंड था पानीपत और ये है करनाल, करनाल वाले टोल पे पहुंच गए हैं। ग्रीन बत्ती जल गई है तो समय हुआ है 8:13, जबकि हम 5:30 बजे हैं, हम 5:45 निकले थे घर से, सबको इकट्ठा करते करते टाइम लग गया। तो अभी भी फॉग है काफ़ी, लेकिन मौसम तो खुल गया है तो फॉग ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है। तो गाइस हमने लिया है अनदर ब्रेक और ये है द ग्रेट खली ढाबा, जो करनाल को क्रॉस करके है और यहाँ से माला लगभग 45-50 किलोमीटर रह गया है। तो यहाँ पे हमने लिया है ब्रेकफास्ट ब्रेक, तो चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको खली ढाबा। गाइस ये है द ग्रेट खली ढाबा और हमारे जो दिल्ली से जहाँ से हम चले हैं वहाँ से 155 किलोमीटर है डिस्टेंस इसका। तो अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा खाना है इसका और यहाँ पे द ग्रेट खली भी मिलते हैं हफ्ते में 2 बार, ये हम पता करेंगे कब कब आते हैं। और ये हमारी चिमनी खड़ी है सामने और ये हमारे भाई लोग। ये है खली का ढाबा जहाँ पे गुलाब जी, श्रीमान वेद जी और श्रीमान लामा जी पहुँच चुके हैं। हमारी टीम के वाइस कैप्टन है ये, कैप्टन आपके पीछे कैमरा लेके खड़े हैं, ये विकेट कीपर है और मैं कोच। धन्यवाद। चलिए कोच साहब अंदर चलो, खली खली का ढाबा हिंदा ग्रेट खली और मंगा लेंगे। तो गाइस हमने मंगाया है पूड़ी की प्लेट और जिसमें है आलू की सब्जी और हलवा। आपका इतना बढ़िया खाना होता है, हम स्पेशल रुकते हैं यहाँ पे। तो ब्रेकफास्ट एक नंबर है यार, भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। अम्बाला कैंट यहाँ से 35 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पे काफी फॉग हो गई थी अभी बीच में, और करनाल में तो पूरा सूर्य देवता नजर आ गए थे और बिल्कुल साफ हो गया था, लेकिन अम्बाला में आते आते बिल्कुल फॉग हो गई है और जस्ट 35 किलोमीटर और हमने अम्बाला को क्रॉस करने के लिए। और
हरियाणा पंजाब, फिर वापस हरियाणा में एंटर कर दिया और इसके बाद अब आएगा हिमाचल प्रदेश में एंटर हो जाएंगे। तो हमारा अभी जो नारकंडा है वो है 4 hours 42 minutes के डिस्टेंस पे, 157 किलोमीटर का अभी भी डिस्टेंस है यहाँ से हमारे करंट लोकेशन से। तो 5 बजे दिखा रहा है, लेकिन हम तो भाई रुकते रुकते जाएंगे, हमें पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेंगे। ये देखिए सामने माउंटेन्स नज़र आने लगी हैं सामने, अब कैमरे में पता नहीं दिखाई दे रही है नहीं दे रही। यस, तो गुड आफ्टरनून। तो इस समय हम ये पहुंच चुके हैं, देखिए ये ट्रिम्बल ट्रेल है, ये ट्रिम्बल ट्रेल। इस समय हम हिमाचल में एंट्री कर चुके हैं और अभी हमने ये स्टॉपेज लिया है थोड़ी देर का। ये देखिए वेद जी खड़े हुए हैं, ये हमारी गाड़ी जिमनी खड़ी हुई है, ये गुलाब जी बाहर आ गए हैं अभी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस, बहुत ही अच्छी जगह है ये। हमने थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया, ये अब हमारे भाई लांबा जी बाहर निकल रहे हैं, इनको हमने बोला थोड़ा रेस्ट ले लो। और एक ये बीच में डेस्टिनेशन है, हम इसको कवर करते हुए सीधा जाएंगे नारकंडा, बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लंच ब्रेक। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। हम हैं टिम्बर ट्रेल, जो कि जैसे ही हम माउंटेन के ऊपर स्टार्ट करते हैं चढ़ाई, तो स्टार्टिंग में ही है ये पूरा, बहुत ही शानदार है। यहाँ पे टॉयलेट वगैरह बहुत ही साफ़ सुथरा टॉयलेट है, खाने पीने का रेस्टोरेंट है सामने, और ये सामने पार्किंग है हमारी जिमनी खड़ी है, और यहाँ से आए हैं ऊपर से, और ये अपना कालका शिमला हाईवे ये सामने। तो अभी हमने छोटा सा ब्रेक लिया है, अभी 10-15 मिनट में हम निकलेंगे थोड़ा रिलैक्स होके। टिम्बर ट्रेल से निकल रहे हैं और यहाँ पे गर्मी तो तूफान है यार, दिल्ली में इससे ज़्यादा ठंड है। ये देखो सारे कपड़े उतार दिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जैकेट डाली हुई थी, बट जो यहाँ का टेम्परेचर है ये ज़्यादा है और दिल्ली में टेम्परेचर कम है। अभी ट्रिम्बल ट्रेल पहुँचे हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन अभी देखते हैं, रुकेंगे कहीं लंच करने के लिए, फिर आपको वहाँ का वेदर बताएंगे। तब तक के लिए इंतजार के लिए थैंक यू वेरी मच। चलो चलते हैं अभी। जो मेरे को एक बेर दे दो। सोलन वैली है, कितनी ब्यूटीफुल जगह है। वाओ, एक्सीलेंट प्लेस, यू सी, ये देखिए कितनी डेवलपमेंट हो गई है। हम लोग भी काफी समय के बाद आए हैं, पर दिस इज ए वेरी नाइस प्लेस। देखिए अच्छी धूप निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा है, वेरी गुड एटमोसफियर। दिल्ली में ठंड है और हमको घमंड है, यही चलता रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ठंड की तलाश में आए थे, पर यहाँ टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा है और दिल्ली में कम है। इस समय हम सोलन में हैं और सोलन क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमारा शिमला, लंच ब्रेक होगा शिमला में, और शिमला के बाद हम जाएंगे नारकंडा, और नारकंडा से आगे रामपुरा में शायद रुकें, अभी यही प्लानिंग है। तो ये देखिए, ये जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये सारा का सारा सोलन का है। तो गाइस अभी तक हम शिमला नहीं पहुँचे हैं, और नारकंडा यहाँ से 3 hours का अभी और रास्ता है, 3 hours पूरा है, और ये है सामने वाटिका भोजनालय। तो लगभग 2:45 बज गए हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना लंच। ये हमारी जिमनी, और ये है ढाबा, मक्की दी रोटी सरसों का साग चूल्हे वाली। चलो देखते हैं, अगर मिलती है तो ये खाएंगे। ओए होए होए, व्यू देखो, ओए होए होए, तो बैठ के खाने ना। ये सारा बर्फ पे ढका होता, कब ढका होता है, मैं तो आज तक दिखा रहे हैं। हाँ, बर्फ पड़ी नहीं है इस बार, ये सारे पहाड़ हिमाचल के और बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। दाल है, चावल है, कढ़ी है, पकौड़ा है, राजमा है, तो मक्के की रोटी भी जो है, रोटी साग नाड़ू भी मिलेगी, मिल जाएगी बस, ठीक है। फिर एक काम करो, वो अपना लाओ सारा जो भी तुम्हारा बना हुआ है, साथ में मेरी वीडियो बना, आपकी वीडियो बना रहे हैं, इसे फेमस कर देंगे। आज का खाना फ्री। ये हमारे दोस्त हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ, ये हम इनके ढाबे पे रुके हैं। क्या नाम है भाई? पंकज है। ये अभी अपना मेनू कार्ड दिखाएंगे, फिर हम देखेंगे हमें क्या खाना है, इनका कैसा स्वाद है, उसका फिर हम बाद में बताएंगे। हमारी जो ऑटो रीडिंग आई है 356.5 पे हम टैंक फुल करा रहे हैं शिमला के अंदर,
और एवरेज जो शो कर रहा है ऑडोमीटर 13.9 ड्यू टू दिस हिल। पूरी चढ़ाई करी है और ये है शिमला का पेट्रोल पंप। इसमें जो फ्यूल आया है 25.79 लीटर आया है, तो लगभग 26 लीटर तेल आ गया है और एवरेज काफ़ी कम आई है ड्यू टू दिस हिल जो हमने क्लाइम करी है। शिमला में पहुंच गए हैं तो मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा आपको कितना हमारी एवरेज आई है शिमला के लिए। और हिल्स पे फर्स्ट टाइम मैं ये अपनी जिमनी चला रहा हूँ, इससे पहले हम गए थे जैसलमेर। तो चलते हैं अब सीधा नारकंडा। कुफरी के आसपास पहुंच गए हैं और अपडेट ये है कि ऊपर नारकंडा में जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ड्यू टू ब्लैक आइस, दो दिन से काफ़ी स्नोफॉल होने के कारण पूरा ऊपर बर्फबारी है और नीचे सभी बोल रहे हैं कि ऊपर का रास्ता बंद कर रखा है, 4-5 बजे के बाद ऊपर जाने नहीं देते। शाम होने के बाद बिल्कुल शीशा बन जाती है जो बर्फ़ होती है। और अभी ये जाम लगा हुआ है सामने, तो देखते हैं जहाँ तक हम पहुँच पाएँ, जहाँ तक जाते हैं कुफरी क्रॉस करके जहाँ भी आगे होटल मिलता है वहाँ पे स्टे करेंगे। आज का स्टे तो नारकंडा नहीं हो पाएगा हमारा। ये देखिए चारों तरफ बर्फ, देखिए देखिए बर्फ चौधरी बनने तुम्हारा पूरा घाटा हो जाएगा। गुलाब भाई बर्फ से खेल रहे हैं। ये मैं भी जा रहा हूँ आगे, रख दे आगे हमारी बर्फ। हाँ देखो जी हम बर्फ बाहर टेम्परेचर देखो। वाओ दोस्तों, तो इस समय आप देख रहे हैं ये नज़ारे जो अभी हम कुफरी से 10 किलोमीटर दूर हैं और ये देखिए आप दोनों तरफ शानदार स्नो पड़ी हुई है, बर्फ ही बर्फ। ये देखिए आपको मैं शीशा खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए बर्फ ही बर्फ। ऐसे नज़ारे तो लाइफ में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ये देखिए ये देवदार के पेड़ों के ऊपर जिस तरीके से बर्फ बिल्कुल चिपकी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम स्विट्जरलैंड में हैं। क्या स्वीट नज़ारे हैं, दिल भर हम सब तुम्हारे हैं। वाह ये देखिए गुलाब जी को बहुत ठंड लग रही है और ये पीछे जो वेद जी बैठे हैं ये तो समझ लो ठंड से बिल्कुल तड़प रहे हैं। ये देखिए ये पीछे की टीम है और ये आगे की टीम है। अभी मैं बर्फ के अंदर से आ रहा हूँ, आप देखिए कि मेरे हाथ मेरी शक्ल कितनी लाल हो गई है। और ये गाड़ी के बाहर का जो टेम्परेचर है इस समय, ये गाड़ी के बाहर का टेम्परेचर -डिग्री है। तो गाइस मैं हूँ अभी कुफरी में, शिमला हमने क्रॉस कर लिया है और जाना है नारकंडा, लेकिन अभी तक जो स्टेटस ये है कि नारकंडा नहीं जाने दिया जा रहा है, ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा है और गाड़ियाँ बहुत फंस रही हैं और रात भी होने वाली है, तो कहीं अब तो आगे जगह देख के हम स्टे करेंगे। और यहाँ का नज़ारा देख लो कितनी बर्फ़ है, ये देखो पेड़ पूरे लदे हुए हैं बर्फ़ से। ये और वो आगे हमारी जिमनी खड़ी है, ये देखो। और ये सूरी साहब आ रहे हैं। वेद जी ओए बल्ले 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 पंगड़े पाओ। ओए पागे पंगड़े 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 आगे देखिए हमारी जिमनी खड़ी है ये। तो देखते हैं अब क्या है आगे, कहीं भी जगह मिलेगी वहीं स्टे करेंगे। तो गाइस हमें मिल गया है रूम कुफरी हाइट्स में और ये है कुफरी में और हमने लिए हैं दो कमरे, अभी दिखाते हैं आपको। सेकंड फ्लोर पे आई है, बर्फ पूरा बर्फ से चादर ढकी हुई है। ये देखो दो दिन पहले काफ़ी बर्फबारी हुई है, कल और परसों। और ये हमारा रूम, ओए होए 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 क्या बात है। गरम जुगाड़। ये कुफरी की मार्केट है सामने, ये सामने ही। अच्छा सामने ही है, दुकान है। बहुत अच्छा व्यू है यार। बढ़िया यार, बहुत ही अच्छा मिल गया हमें कमरा 1500-1500-3000 में। तो ये देखिए तो हमारा चूल्हा चालू हो गया है, ये देखिए तो ब्यूटेन गैस वाला चूल्हा हमारा चालू हो गया है और हम बना रहे हैं इस पे
सूप, ये सूरज जी बना रहे हैं सूप। तो गाइस हमारे जो किचन में है ये सूप बन के तैयार हो गया है, ये देखिए, और सभी मजे ले लेके पी रहे हैं। ये तो जैसे कहीं पे जैसे साइड में गाड़ी रोकते हैं, रोक के लगाया बनाया पी के चले, मैगी मस्त जो बनानी लाए हुए सब सूप मैगी है सब कुछ लाए हैं, बढ़िया चीज है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, तो आपको कैसा लगा ब्लॉग एक कमेंट करना और हमारे साथ बने रहना आखिर तक। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद।